दोस्तों, दीपावली के पावन दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से हो रही है। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रधान कमल शर्मा का फिरोजपुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कमल शर्मा की उम्र 48 साल थी। इस सूचना के आते ही पंजाब भाजपा और अकाली दल के नेताओं में शोक की लहर फैल गई है। कमल शर्मा को भाजपा के साथ अकाली दल के भी करीब माना जाता था। मिली जानकारी के अनुसार कमल शर्मा रविवार सुबह की सैर के लिए गए थे। सैर के दौरान कमल शर्मा को दिल का दौरा पड़ा। कमल शर्मा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। कमल शर्मा अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए हैं। अपनी मौत से दो घंटे पहले ही कमल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से अपने मित्रों और शुभचिंतकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। इससे पहले कमल शर्मा को 2017 में भी दिल का दौरा पड़ा था। उस समय हीरो हार्ट इंस्टीट्यूट से उनके दिल की एक नाड़ी में स्टंट डाला गया था। कमल शर्मा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कमल शर्मा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ओएसडी भी रहे थे। कमल शर्मा के भाजपा के साथ अकाली दल से भी नजदीकी रिश्ते थे। कमल शर्मा को अकाली भाजपा गठबंधन की कड़ी माना जाता था। कमल शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष रहते 1997 में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी। आज अकाली दल और भाजपा के संबंधों में तनाव है। ऐसे में कमल शर्मा की कमी शिद्दत से महसूस की जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें। कमल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।